सीएसके के अधिकारी ने कर दी है पुष्टि, महेंद्र सिंह धोनी इस तारीख को खेलेंगे आईपीएल का आखिरी मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एसके स्पोर्ट के और नई वीडियो में। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी किस तारीख को खेलेंगे अपना आखिरी मैच, जिसके बाद धोनी लेंगे आईपीएल से संन्यास, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आप क्या चाहते हैं, क्या महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल से संन्यास ले लेना चाहिए या नहीं, आप अपनी व्यक्तिगत राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज की पूरी अपडेट। दोस्तों, आईपीएल का मंच तैयार है और सभी को इस मंच पर भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को खेलते हुए देखना चाहिए। लेकिन ये आईपीएल धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन हो सकता है। थाला अपने विदाई मैच 14 मई को चेपक स्टेडियम में चेन्नई में खेलेंगे। दोस्तों, जैसा कि शुक्रवार को आईपीएल 2023 का शेड्यूल भी सामने आ गया है, इसने धोनी के फाइनल मैच के लिए मंच तैयार कर दिया है। अगर सीएसके प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती है, तो अपना आखिरी मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलेगी। सीएसके अपने अभियान की शुरुआत गत चैंपियन गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने उतरेगी और यह मैच 31 मार्च को होगा। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग टीम के एक अधिकारी ने इनसाइड रिपोर्ट्स में कहा है कि यहां एक खिलाड़ी के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन होगा। अब तक हम यही जानते रहे हैं कि लेकिन जाहिर है कि यह फैसला उनका होगा। उन्होंने आधिकारिक तौर पर प्रबंधन को सूचित नहीं किया है कि वह रिटायरमेंट लेंगे या नहीं। दोस्तों, सीएसके के लिए और सभी फैंस के लिए एक विशेष अवसर है, क्योंकि आईपीएल की चेन्नई में वापसी हो रही है। लेकिन अगर धोनी अपना आखिरी सीजन खेलते हैं, तो यह दुखद क्षण होगा। दोस्तों, धोनी ने साल 2008 में उद्घाटन सत्र के साथ ही सीएसके का नेतृत्व किया था। दोस्तों, पिछले सीजन में धोनी ने रविंद्र जडेजा को कप्तानी सौंप दी थी। हालांकि यह दांव उल्टा पड़ गया था, क्योंकि जडेजा की कप्तानी में सीएसके टीम लगातार मैच हार रहे हैं। दोस्तों, भारत के पूर्व कप्तान को सिर्फ 8 मैचों के बाद वापस कप्तान बना दिया गया था। इस बार सीएसके एक बार फिर से चाहेगी कि धोनी को ट्रॉफी के साथ विदा किया जाए। हालांकि अगर सीएसके प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में विफल होती है, तो 14 मई को चेपक स्टेडियम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उनका आखिरी घरेलू मैच होगा, जो धोनी का भी आखिरी मैच हो सकता है। दोस्तों, सीएसके के एक अधिकारी ने इनसाइड रिपोर्ट को बताया, बेशक हम बेन स्टोक को पाकर बहुत खुश हैं, वह एक मैच विनर ही नहीं बल्कि बेहतरीन लीडर भी हैं। यह महेंद्र सिंह धोनी का फैसला है कि वह अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसे चुनेंगे। दोस्तों, आईपीएल विदेशी खिलाड़ियों की अनुगाई के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन की समस्या रहती है, साथ ही ऑलराउंडर हमेशा ग्राहकों को संभालने के लिए मुश्किल होती है। अगर अगले साल बेन स्टोक के NOC नहीं मिलती है, तो दिक्कत होगी। इसलिए एक युवा ऋतुराज गायकवाड़ को भी खारिज नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सीएसके का उत्तराधिकारी किसे चुनना चाहिए, ऋतुराज गायकवाड़ को या फिर बेन स्टोक को? आप अपने व्यक्तिगत राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे हैं। वहीं अगर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग टीम के लिए सभी खिलाड़ियों की लिस्ट की बात करें, तो महेंद्र सिंह धोनी, डेविन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अंबाती रायडू, सुब्रांत सेनापति, मोइन अली, शिवम दुबे, राजबहादुर हंगरकर, एडन पिटोरियस, मिचेल फेंटन, रविंद्र जडेजा, तुषार देशपांडे, मुकेश चौधरी, महेश्वर पथराना, महेश तिचड़ा, सिमरजीत सिंह, दीपक चहर, प्रशांत सोलंकी, अजिंक्य रहाणे, बेन स्टोक, सैयद रफीद, निशांत सोलंकी, काइल जेम्सन, अजय मंडल और भगत वर्मा टीम में शामिल हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। इस खबर के बारे में आप अपनी व्यक्तिगत राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।